नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कुंभ राशि के सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं जनवरी के चौथे सप्ताह की राशिफल की। 22 से 28 तारीख के मध्य का समय कैसा रहेगा, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि और आप पर इस वक्त शनि की 7.5 का प्रभाव है। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह में क्या परिणाम मिलेंगे। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है सप्ताह में, तो ढेरों शुभकामनाएं। पूरा वीडियो देखिएगा तो उपाय भी पता चल जाएंगे और सप्ताह को बेहतर बनाने के तरीके भी पता चल जाएंगे। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और इसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि वीडियोस आप तक वक्त वक्त पर पहुंचती रहे। जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कुंभ राशि के राशिफल की। सप्ताह के शुरू में आपको कुछ निराशा का अनुभव होगा। कुछ महत्वपूर्ण कामों में आपके मन मुताबिक सफलता शायद ना मिले, जिसके कारण आप थोड़े से निराश हो सकते हैं। दैनिक कार्यों में आपको अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी आप धन से संबंधित समस्याओं का हल निकल पाएंगे, कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। अच्छा मैनेजमेंट और मौके की पकड़ बनाए रखना ही आपके लिए सफलता की चाबी होगा या सफलता की राह होगा। भावनात्मक संबंधों में बाधाएं आ सकती हैं, यानी जो रिश्ते दिल से जुड़े हुए हैं, जो प्यार के रिश्ते हैं, उनमें बाधाएं आ सकती हैं और धन की कमी और रिश्तों में कमी की वजह से आपका जो स्वर है, स्वर यानी आपकी जो भाषा है, उसमें चिड़चिड़ाहट बना सकता है। आप थोड़े से उदास हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं। मुश्किल समय में आप अपने धैर्य और विश्वास को न तोड़ें और समझदारी से काम लें। आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, करते रहिए। किसी नए काम में ना जाएं, एक काम को खत्म करने के बाद ही नए काम की शुरुआत करें। संभावना बन रही है कि वर्तमान समय में आप समस्याओं पर जल्द काबू पा लेंगे, इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा। यात्राओं पर जाने की संभावनाएं बन रही हैं। वर्तमान समय में तनाव पर काबू पाने में आप सफल रहेंगे। आपके पिता का समर्थन प्रोत्साहन, आपके बॉस का समर्थन और प्रोत्साहन आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह के अंतिम भाग में पदोन्नति और मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है, मनचाही नौकरी लग सकती है, नौकरी में बदलाव हो सकता है, ये एक अच्छा संकेत होगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने कर्तव्य और दायित्वों का विस्तार कर पाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से वैवाहिक जीवन, नौकरी पेशा जिंदगी और कारोबारी जिंदगी में आप सफल रहेंगे और राजनीति में भी सफल रहेंगे। घर की अतिरिक्त जिम्मेदारियां, कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी निभाने में आप संतुष्ट रहेंगे और संतुष्टि से धैर्यपूर्वक सभी कामों को कर लेंगे। व्यापारिक यात्राओं के परिणाम बहुत अच्छे तो नहीं रहेंगे, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए शुरू से लेकर अंत तक अच्छा ही अच्छा है। छोटी मोटी परेशानियां हैं, लेकिन धैर्य और विवेक और मेरे द्वारा बताए गए उपायों से आप सफलता पा लेंगे इस सप्ताह में। हम बात करेंगे अब 22 जनवरी की। अविवाहित लोगों का विवाह के प्रस्ताव आएंगे, आप प्रेमी प्रेमिका से मिलने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे, प्रेमी प्रेमिका के दिल में प्यार जागेगा। व्यापारियों को किसी नए साझेदार से लाभ हो सकता है, व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, कोर्ट कचहरियों के मामले में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे, ससुराल की तरफ से धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, आपके बच्चे साहसी बनेंगे, विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त होंगे और आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बनाए रखें और छोटी मोटी बातों पर निराशा के बादल सर पर ना मंडराने दें, छोटी मोटी बातों को खींच कर बड़ा ना करें और अच्छी योजना से बड़ी सफलता पाए। 23 तारीख की बात करें, 23 जनवरी की, वाहन चलाते हुए सावधानी रखें, सड़क पर चलते हुए सावधानी रखें, हर कार्य को करते हुए सतर्कता बरतें, आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। जीवन साथी से तालमेल बनाए रखें, कुछ अनावश्यक विवाद हो सकता है, अनावश्यक वाद विवाद से बचें, किसी अशुभ समाचार के मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है, प्रेम संबंध में आज का दिन सामान्य रहेगा। 24 जनवरी की बात करें तो आप थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं, काम में रुकावटें आएंगी, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, शेयर मार्केट में धन का निवेश किया जा सकता है, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद दूर हो सकते हैं, आज आप अपने प्रेम संबंध को और मजबूती दे पाएंगे, कमर के निचले हिस्से में छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है, बड़े बुजुर्गों को
कमर का दर्द या जोड़ का दर्द या कंधों का दर्द परेशान कर सकता है। गलत तरीके से बैठने या सोने की वजह से सर्वाइकल पेन बढ़ सकता है या शुरू हो सकता है। और शुगर और बीपी के रोगी ध्यान रखें अपना। 25 जनवरी की बात करें, दिन शुभ है, 19 से अधिक धन कमाएंगे, भाग्य का निरंतर साथ प्राप्त होगा, आप अपने जीवन साथी से संबंध बढ़िया करते चले जाएंगे, इसलिए आप बहुत अच्छा लाभ कमाने वाले हैं। आपके बॉस, आपके पिता, आपके साथ में जो बड़े लोग काम करते हैं, उम्र में या औहदे में जो भी लोग बड़े हैं, उनका प्यार, आशीर्वाद और उनका अनुभव और उनकी सीख से आप बहुत तरक्की करेंगे, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या पारिवारिक मामले हों। आपको पुरस्कार या समाज में मान सम्मान मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, मानसिक परेशानियां खत्म होती हुई नजर आएंगी। हम बात करेंगे 26 जनवरी की, आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेंगे, बच्चों का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा, हृदय में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा, आप अपनी पढ़ाई लिखाई को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, आपके प्रेम संबंध सौभाग्यदायक रहेंगे, आप अपने जीवन साथी के प्रति लगाव बनाकर रखें, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने का एक बेहतर और शानदार दिन रहेगा। 27 जनवरी की बात करें तो आप अपने अधिकारियों से मान सम्मान और सहयोग की जो इच्छा रखते हैं वो पूर्ति हो जाएगी, बढ़िया समय रहेगा, व्यवसाय में निरंतर विस्तार होगा, विद्यार्थी अध्ययन कार्य में बेहतर कर पाएंगे, जीवन साथी से प्रसन्न चित और संतुष्ट रहेंगे, आप अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे, बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होगी। 28 जनवरी का बात करें तो आपके जो भी बिगड़े हुए काम थे वो सुधर जाएंगे, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा और आप पहले से बनाए गए कामों को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, पिछले दिनों की योजनाओं से लाभ लेंगे, पिछले साल यानी 2021 में जो पेड़ बोया था उसके मीठे फल खाने का वक्त आ गया है, अपनी माता जी के स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखें, विद्यार्थी अध्ययन कार्य में एकाग्रचित रहेंगे, आप अपने जीवन साथी के नाम पर संपत्ति या जीवन साथी की तरक्की से खुश होंगे, जीवन साथी को आर्थिक धन लाभ हो सकता है, रोमांटिक मूड में होंगे, जीवन साथी का संग और आनंद भरा वक्त आपको मिलने वाला है। इस सप्ताह में देश विदेश से चिर परिचित सपनों की पूर्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है, सरकारी गैर सरकारी कामों में सफलता, वाहन लेने का सुख और आप लोगों के दिलों में प्यार बढ़ने का सुख मिलेगा, राजनीतिक जीवन से जो भी लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं अच्छी खबरें मिलेंगी, आप या आपके परिवार के लोग तरक्की करेंगे, आप दिल में सुकून लेंगे कि काम बन रहे हैं, दिल में शांति होगी। कुछ प्यार के रिश्ते ऐसे होंगे जिनको तोड़ देना ही अच्छा होता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी वर्तमान जिंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं, उन रिश्तों से भी आपको बचकर रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पिछली जिंदगी का कोई सच आज की जिंदगी को, आज की खुशहाल जिंदगी को खराब कर दे। माँ सरस्वती की आराधना करिएगा और हनुमान जी की आराधना करिएगा और अपनी बुद्धि को निर्मल बनाए रखिएगा, सोच समझ कर फैसले लीजिएगा तो कोई गड़बड़त नहीं होगी। और ये सप्ताह आपको 75 से लेकर 80% तक शुभ लाभ दे रहा है, इंजॉय करें, सफलता के रास्ते खुलेंगे, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, नौकरी व्यापार के रास्ते खुलेंगे, मनचाहा ट्रांसफर भी आप अपने बॉस से बात करके अपना करवा सकते हैं, आपके बॉस आपके अधिकारी आपकी बात को ना नहीं कहेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो इंजॉय करिए, अगर बेहतर नहीं है तो उनको सुधारने के लिए प्रयास करिए। नमस्कार। ज्योतिष को अगर हम अपने जीवन में लेकर आए तो क्या हमारा भाग्य बदल सकता है? क्या जो विधाता ने लिखकर भेजा है, जो परमपिता परमेश्वर ने लिखकर भेजा है, क्या वो इस धरती पर मिटाया जा सकता है? क्या ज्योतिष में इतना दम है? तो मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं, ईश्वर ने ही आपके भाग्य में या आपकी तकदीर में दुख लिखे हैं आपके कर्मों के हिसाब से, और ईश्वर ने ही ज्योतिष को बनाया है, ग्रहों को बनाया है, इस संसार को बनाया है। तो ईश्वर ने अगर किसी शाही से आपके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है तो ज्योतिष के पास एक ऐसी रबड़ है, ऐसा एक तरीका है जिससे भगवान के लिखे हुए को हल्का किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता लेकिन उसके प्रभावों को कम किया जा सकता है, क्योंकि दुख देने वाला भी वो है और दुख मिटाने वाला भी वो है। तो अगर आप ज्योतिष की मदद लेते हैं तो आपके दुख खत्म तो नहीं होंगे लेकिन वो आपको परेशान भी नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष के अंदर कितनी ताकत है। अगर
आपके जीवन में कष्ट आना लिखा है तो यकीन मानिए ज्योतिष के उपायों से उन कष्टों को दूर करना भी लिखा है। तभी बरसों से ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और बरसों से ही ये ज्योतिष का ज्ञान लोगों का कल्याण कर रहा है। तो ज्योतिष पे विश्वास जरूर करें, क्योंकि ज्योतिष के बिना आपका जीवन कहीं ना कहीं अधूरा है। आपको बिना ज्योतिष के किसी भी क्षेत्र में सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद ज्योतिष की सहायता से ही मिलेगा। तो अगर आप खुद को आनंद वाली श्रेणी में लाना चाहते हैं तो ज्योतिष के ज्ञान से अपने कष्टों को और कष्टों से होने वाले प्रभावों को बहुत हद तक आप अपने से दूर कर पाएंगे। तो आइए ज्योतिष का पूरा पूरा उपयोग करते हैं और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपने जीवन में खुशहाली लेकर आते हैं। दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश अवश्य लेकर आएगा। नमस्कार।